तो पौधों को हम बाहर तो बहुत ही आउटडोर में तो बहुत लगाते हैं, लेकिन हमें अगर इंडोर प्लांट्स लगाने को मिल जाए, जो कमरे के अंदर बेडरूम में सजाने वाले प्लांट्स मिल जाए, तो बहुत ही शोभा बढ़ जाती है हमारे कमरे की। तो आज मैं बताऊंगी कि मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे हम कमरे के अंदर भी रख सकते हैं और किन तरीक़ों से आप इनसे अपने घर को सजा सकते हैं, इससे कमरे को कैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। अलग अलग आइडिया है जिन्हें आप जिन आइडिया को आप फॉलो करके अपने कमरे में अलग अलग टाइप से मनी प्लांट का डेकोरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ये देखिए कोकेडामा, जो इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें अगर मनी प्लांट की कटिंग को आप लगाएंगे तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, बनाना भी बहुत आसान होता है इसको। आज जितनी मनी प्लांट डेकोरेशन आइडिया मैं लेकर आई हूँ वो बिल्कुल फ्री में आप बना सकते हैं अपने घर में ही कबाड़ से जुगाड़ करके। तो आपको मिट्टी लेनी है, मिट्टी में आपको थोड़ी सी कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट जरूर मिक्स कर लेनी है। इससे पौधे को पोषण मिलता रहता है। अगर जैसे कि इसमें कोकेडामा बनता है तो इसमें आप खाद वगैरह नहीं दे सकते, केवल आप वाटर ही दे सकते हैं इंडोर में। तो इसमें खाद मिलानी बहुत ज़रूरी होती है और नमी के लिए इसमें कोकोपीट मिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी आपको ऐसी कटिंग लेनी है जिसमें नोड्स हों, जैसे कि मनी प्लांट में आप देखेंगे जगह जगह पर रूट्स निकली रहती हैं, वैसी कटिंग लेनी है, उसमें रूट्स साइड से ज़रूर निकली हों। उसी कटिंग को आपको गीली मिट्टी करके आपको एक बॉल जैसा बना के उसमें अंदर दबा देना है, जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है इस तरह से आपको करना है। रेसे या आप नारियल के छिलकों से इनमें बॉल बनाकर पानी के अंदर डिप करके इस बॉल को अपने इंडोर में रख सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बताने वाली हूँ, इस तरह से आपको कोई भी छोटा सा पॉट लेना है और एक मनी प्लांट की कटिंग लेनी है। काम वही करना है कि नोड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मनी प्लांट की कटिंग में, तभी मनी प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। इन नोड्स से ही नई रूट्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। मिट्टी में आपको कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिट्टी का नम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके पास एक हेयरपिन जो पड़े होंगे उनका यूज करना है इसमें लगाने में, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। चारों तरफ से दबाकर मनी प्लांट को इस तरह से हेयरपिन से सेट कर देना है। सेट करने के बाद आप देखेंगे इनके नोड्स अच्छी तरह सेट हो जाएंगे मिट्टी में। इससे ये होगा कि बिल्कुल भी मिट्टी में जब दबे रहेंगे इनके नोड्स, तो बहुत जल्दी रूट्स आती हैं, बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ध्यान ये रखना है इंडोर में रखें, इसके नीचे भी आप प्लेट में पानी जरूर रखें। इस तरह से आप टपोरी गार्डन बना सकते हैं। किसी वायर की सहायता से मनी प्लांट की कटिंग का शेप देकर बीच में कोई भी स्टैचू को रख सकते हैं। अगला जो तरीका है वो है मनी प्लांट का प्लांटर, इसको भी आप इंडोर में रख सकते हैं। बस मिट्टी और मॉस स्टिक की ज़रूरत होती है। कटिंग्स पहले आप पानी में ग्रो कर लीजिए, फिर इन्हें मॉस स्टिक पर चढ़ाकर पानी से नमी बनाए रखिए। अगला जो तरीका है तो बहुत ही ईजी है, सभी लोग जानते हैं मनी प्लांट को वाटर में ग्रो करना। उसके लिए आप बिल्कुल फ्री में इसको ग्रो कर सकते हैं। कोई भी आपके पास कांच की बोतल वगैरह पड़ी हो उसमें स्टोन्स वगैरह डाल दीजिए, उसमें आप पानी भरिए और उसमें मनी प्लांट की कटिंग को डिप करके रख दीजिए। आप देखेंगे 5 या 6 दिन के बाद उसमें रूट्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से देखिए जैसे मैंने बनाया, इस तरह से आप मनी प्लांट को भी सजा सकते हैं। आइडियाज़ कैसे लगे लाइक करें शेयर।